नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट ट्रिक्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की 10 भूली जा चुकी बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बाइक्स हैं जिनको शायद आपने कभी ना तो देखा होगा और ना ही इनके बारे में सुना होगा। जानिए ऐसी ही 10 बाइक्स को जो भारतीय बाजार में आई और बिना खास निशान छोड़े चली गई। क्या आपने सुना है हीरो BMW फंडीरो 650 को? जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि हीरो ने भारत की सबसे पहली असली ADV बाइक बेची है? यह थी फिंडियोरो 650। यह बाइक कितनी खास थी इसका अंदाजा आपको इसकी कीमत से होगा। 1996 में इसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से 48 BHP बहुत अधिक पावर था और इस तरह बाइक बाजार से चली गई। भारतीय बाजार ऐसी बाइक के लिए तैयार नहीं था जिसकी कीमत मारुति के कुछ कारों से भी अधिक हो। बजाज बॉक्सर 150। जी हाँ दोस्तों, बजाज ने बॉक्सर 150 अफ्रीका के बाजारों के लिए बनाई थी, पर यह परखने के लिए कि गाड़ी भारत के ग्रामीण और छोटे शहरों में कैसा प्रदर्शन करती है, इसे यहां लॉन्च किया गया, परंतु इसे सफलता नहीं मिली। काइनेटिक GF 170 लेजर। काइनेटिक GF 170 भारतीय बाजार के लिए सबसे ताकतवर बाइक थी। इस बाइक में 165 cc का 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लगा था। 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ बाइक में 4 वाल्व्स या सिलेंडर लगे हुए थे। राजदूत GTS। होंडा नवी भारत की पहली मिनी बाइक नहीं है, बल्कि राजदूत की GTS एक बाइक जिसमें 175 cc 2-स्ट्रोक इंजन था पहली मिनी बाइक थी। इस बाइक के प्रति लोगों की पसंद के पीछे फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर द्वारा डिंपल को इस पर राइड देना था। रॉयल एनफील्ड एक्सप्लोरर। रॉयल एनफील्ड ने जर्मन बाइक कंपनी जेंडेप के साथ मिलकर रॉयल इनफील्ड एक्सप्लोरर का निर्माण किया था। इसमें 50 cc का इंजन था और 3-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी थी, लेकिन यह बाइक बाजारों में अपना खासा प्रभाव नहीं दे पाई। HD 350। आइडियल जावा कभी भी एस्कॉर्ट यामाहा और इसकी RD 350 की बराबरी नहीं कर पाई, परंतु भारतीय चेज मोटरसाइकिल ब्रांड ने कोशिश बहुत की। HD 350 इन्हीं कोशिश का नतीजा था। इसमें 2-स्ट्रोक छोटे पेट्रोल इंजन थे। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी जो तेज रफ्तार के शौकीन थे। बजाज SX एंड्यूरो। बजाज ने एक 2-स्ट्रोक बाइक कावासाकी RTZ 100 निकाली थी। SX एंड्यूरो कुछ RTZ के तरह ही बाइक थी। एंड्यूरो देखने में खूबसूरत थी, परंतु सड़क पर कम प्रभावी थी। रॉयल एनफील्ड मिनी बुलेट। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें 350 cc बुलेट बहुत भारी लगती है, उनके लिए रॉयल इनफील्ड ने एक अल्टरनेटिव पेश किया था। नाम था मिनी बुलेट। इस छोटे बाइक में 200 cc का 2-स्ट्रोक इंजन था। यह बाइक उस समय लॉन्च होने वाली भारतीय जापानी 100 cc 2-स्ट्रोक मोटरसाइकिल से टक्कर लेने के लिए बनी थी। मिनी बुलेट अधिक चल नहीं पाई और शायद इसीलिए आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। रॉयल इनफील्ड फ्यूरी। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड और जर्मन बाइक कंपनी जेंडेप ने मिलकर फ्यूरो को लॉन्च किया था। इसमें 163 cc का इंजन था और इसे यामाहा RX 100 के मुकाबले उतारा गया था। फ्यूरो में एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक, 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक क्रोम सिलेंडर बैरल था। LML ग्रेफ्टर। ग्रेफ्टर LML की सबसे ताकतवर बाइक थी। ग्रेफ्टर को बजाज की पल्सर से मुकाबला करना था, परंतु ऐसा हो ना सका। गाड़ी लुक्स में मात खा गई। इसमें 150 cc का 4-स्ट्रोक इंजन था और 5 मैनुअल गियरबॉक्स के साथ एक फ्रंट डिस्क ब्रेक भी था। दोस्तों, यह लिस्ट थी उन बाइकों की जिन्हें हम या तो कभी नहीं देखें या फिर भूल चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बाइक को कभी देखा हो या फिर इसकी राइड ली हो, तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।